शाहिद माता साहिब अलम नश मासूम आमिना अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे नाज में अपनी अकीदतों इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आली मर्तबा अज़ीज़ वक़ार उलमाए किराम मशाइख़ अज़्ज़ाम आली मर्तबा अज़ीज़ वक़ार साहिब ज़ादगान आस्ताना रहमत आस्ताना शाह जमालिया ज़ीवकार सामीन ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आप आली मर्तबत उलमा का खिताब समाप्त कर चुके हैं और मेरे बाद आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम मोहतरम जनाब शामी साहब ज़ीदा मजदू का खिताब सुनेंगे और मैं तो चूँकि यहाँ रहता हूँ और आपको अक्सर मौका मिलता है, ये एक लंबा सफ़र तय करके आए हैं तो मैं अपनी गुफ्तगू को इसलिए भी मुख्तसर करूँगा कि उनको ज़्यादा वक्त हासिल हो और दूसरा अगली मंजिल भी मुझे पुकार रही है तो मैं मुख्तसरन चंद बातें आपके सामने अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। अल्लाह इस आस्ताने रहमत को क़यामत तक आबाद रखे। हज़रत ने जब जो खिदमात दीनिया सर अंजाम दी उनको अपनी बारगाह में कबूल न करे। जो अल्लाह के दीन के लिए नौकरी पेश करता है अल्लाह उसे सरफरू करता है, दुनिया में भी इज्जतें देता है और आखिरत में जो उसके दर्जे हैं दुनिया के तराजू उनको नाप नहीं सकते। अल्लाह ने उनको वो इज़्ज़तें वो बुलंदियाँ और वो सफ़ूरियाँ अता की होती हैं। दुनिया पर कितने लोग आए चले गए आज उनका नाम भी बाकी नहीं है, जिनका तोती बोलता था जिनके नक्कारे बजते थे आज ज़माना उनकी कब्रों के निशान को भी भूल गया है। आले सासानी ने 3150 साल ईरान पे हुकूमत यके बाद दीगरे 150 हुक्मरान उस एक ख़ानदान के तख्त नशीन हुए लेकिन आज ज़माना आले सासान का नाम भी नहीं जानता। वो क्या कहा था, मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादे रफ्तगान, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई। इसके पास वक्त है कि कोई किसी को याद करे। मियाँ साहब ने भी कहा था, सह सह जोड़ संगत दे डिठे कूड़क विथा पहियाँ जिन्हा बाजों एक पल नहीं सटींदे शक्ल ना याद ना रही। हम अपने अजीजों को भी भूल जाते हैं, कब्रों के निशान भी ख़त्म हो जाते हैं लेकिन ये कौन लोग हैं कि सदियाँ गुजरने के बाद भी जिनकी यादों के नकूश धुंधले नहीं होते, जिनकी मोहब्बतों के चराग कभी बुझते नहीं हैं, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की होती है तो वफाओं का सिला मिलता है। अल्लाह इन्हें मरने नहीं देता
इन्हें सुथरी पाकीज़ा ज़िंदगी अता करता है। ये जीते भी हैं तो आन से जीते हैं और इस दुनिया से जाते हैं तो इनकी कब्रों पर भी चरागाह होता है। तो ये आस्थान रहमत हमारे लिए एक बहुत बड़ा आसरा है। यहाँ से फूटती रोशनियाँ और यहाँ से निकलती ज़ियाएँ हमारी ज़िंदगी के अंधेरों में एक ऐसे चराग हैं जो हमें मंजिल का सुराग देते हैं। और अल्लाह ताला जल्ला शानहू की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हजरत के आली मर्तबत साहिब साहिबजादगान को उनके नकूश पाक में बरकत अता और हम सबको इल्म दीन की राहों पे गामजन रखे। दस गाहों का क़याम खानकाहों के साथ यही हमारे बुज़ुर्गों का मिशन रहा है, उनकी फिक्र रही है। और आज भी जो खानकाहें दीनी दस गाहों के साथ अपने आप को आबाद रखे हुए हैं वो आने वाली नस्लों की बेहतरियों की ज़ामिन है। तो आप लोग जिस वालेहाना अंदाज से इनसे मोहब्बत करते हैं और आपके इलाके में ये जलने वाला चराग, ये रोशनी जिसने यहाँ जुल्मतें दूर की और उजाले फैला दिए, तो आपके जुम्मे कर्ज भी है। बिलखसूस जो इदारे और जो दस गाहें इस खानकाह से जुड़ी हुई हैं उनके साथ आपका ताउन और आपकी मोहब्बत और आपका हर तरह से इजहार मोहब्बत उनके साथ होना ये साहिब मज़ार के साथ मोहब्बत का तकाजा है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम से और हुजूर के मीलाद के खूबसूरत उन्वान से आज की तकरीब उर्स को मानवन करना ये हुजूर के साथ मोहब्बतों का सबूत है। चूँकि हमारी ज़िंदगी तो हुजूर के नाम से है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कहा था, हम जिस में बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो, हमारी ज़िंदगी है ही हुजूर। एक कूँ होते हैं मेरी आसां दा सहारा, दस किनू करां जे तेनू ना करां यार। तो ज़िंदगी का सारा जमाल और ज़िंदगी का सारा हुस्न हुजूर के कदमों में है और उनके कदमों तक पहुँच जाना यही मेरा जी ज़िंदगी है। और अगर कोई उनके कदमों तक नहीं पहुँचा तो उसने ज़िंदगी का सुराग ही नहीं पाया। इकबाल के सारे फलसफे का रस न छोड़ो तो इकबाल कहते हैं, बमुस्तफ़ा व रसा खेश रा के दी हमाउस, अगर बाऊ न रसीदी तमाम भूला दी। अपने आप को खींच के हुजूर के कदमों तक ले जा, सारा दीन नामे सीखा है। और अगर तू हुजूर तक नहीं पहुंचा तो कलमा पढ़ के भी तू अबू लहब है। तो अगर उनके कदमों तक रसाई हो गई तो समझ लो खुदा तक रसाई हो। कुरान मजीद का एक उसूल देखिए, वाइजा साला का इबादी अन्नी फैनी करीब, ए हबीब मेरे बंदे तेरे पास आके मेरा पूछते हैं। बंदे मेरे ही आते तेरे पास पूछते फिर मेरा, और उन आने वालों को बता दीजिए फैनी करीब, मैं कोई दूर नहीं नेड़े मिल जाऊंगा। फातातिबिया के बाद उलमा ने कहा, कुल मुस्ततर है मुकद्दर है, लफ्जों में मजकूर नहीं लेकिन यहाँ ये मानना पड़ेगा, आने वालों को कह दीजिए बता दीजिए, जिसकी तलब में निकले हो, जिसकी तड़प में मारे मारे फिर रहे हो, जिसकी तलाश में जंगलों की खाक छान रहे हो, रास्तों की सोबतें सही हैं जिसकी तलब में तुमने, तो जब तुम्हारी तलब सच्ची है तो तुम मंजिल पा लोगे। फैनी करीब, उन आने वालों को कह दीजिए कि मैं कोई दूर नहीं हूँ मैं नेड़े हूँ। हबीब मेरे बंदे तेरे पास आके जब मेरा पूछते हैं तो उनको बता दीजिए, उनको कह दीजिए मैं दूर नहीं हूँ मैं करीब हूँ। ये है कुल के मुकद्दर मानने के साथ। लेकिन सूफिया फरमाते हैं कुल मुकद्दर मानने की जरूरत ही क्या है, सीधा सा जुमला है, ए महबूब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते जब तेरे तक आ गए, तो महबूब जब तेरे तक आ गए फिर मैं कोई दूर रह गया हूँ। मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते जब तेरे तक आ गए, जब तेरे तक आ गए तो मेरे तक आ गए, तेरे तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना है। महबूब तेरी गली में आके फिर भी मेरा पूछ रहे, खिजर बतलाए तो क्यों कर बतलाए, अगर माजी पूछे के दरिया कहाँ है। महबूब तेरी चौखट पे आके फिर मेरा पूछ रहे हैं, जो तेरे डेरे तक आ गए महबूब वो मेरे तक आ गए।
और मेरे इमाम बोले बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, वही ला मकान के मकी हुए सरे अर्श तक नशी हुए, ये नबी है जिसके हैं वो मकान, वो खुदा है जिसका मकान। तो महबूब अगर वो तेरी चौखट पे आके मेरा पूछ रहे हैं, तेरी दहलीज पे आके मेरा पूछ रहे हैं, तो महबूब वो जब तेरे दर पे आ गए हैं तो वो मेरे पास ही आ रहा है, कि तेरे तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना है। मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते चले आओ, आओ दरे तवाब पे रोते चले आओ। कुरान में मजकूर है बख्शिश का तरीका, सरकार की दहलीज से होते चले आओ। यही वो रास्ता है, अगर खुदा तक पहुंचना है तो खुदा तक पहुंचने का यही जरिया है हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात तक, हुजूर का कुर्ब नसीब हो जाए, हुजूर तक पहुंच जाना, हुजूर का वसल पा लेना, खुदा तक पहुंचना है। और अगर कोई यहाँ तक नहीं पहुंचा तो सारी जिंदगी वो सफर में रहे, कभी भी मंजिल नसीब नहीं हो सकती। हकीम नेट से सारी जिंदगी इस तलब में रहा कि मैं खुदा का कुर्ब पाऊं, लेकिन इकबाल कहते हैं काश बूते दर जमाने अहमदे तारसीते बद सरूते सरमदे, कि वो सारी जिंदगी हुजूर के बगैर खुदा तक पहुंचने की आरजू में लगा रहा और अकल की सारी गुत्थियां उसने सुलझा ली थी, लेकिन साहिब जुलू ना बन सका, और सारी जिंदगी उसकी कोशिश, उसकी तगोताज, उसकी जुद्दोजहद ये रही कि मैं खुदा तक रसाई पा लूं, लेकिन सारी जिंदगी वो रसाई ना पाया, क्योंकि अकल की बुनियाद पर सुराग मंजिल नहीं मिलता। बू अली अंदर गुबारे नाका गुम, दस्ते रूमी पर्दाए महमल गरीब। तो इस अंदाज के साथ वो आगे बढ़ा, तो इकबाल कहते हैं काश कि वो शेख अहमद मुजद्दिद अल-फिसानी अलैह रहमा को मिल लेता और वो उनको बाजू से पकड़ते हुजूर की दहलीज तक पहुँचा देते, और हुजूर तक पहुँचता तो खुदा तक रसाई उसे नसीब हो जाती। जो इस चौखट पे आ गया उसे खुदा की चौखट नसीब हो गई। और ये फलसफा अगर समझ में आ जाए तो अहले सुन्नत का अकीदा समझ में आ जाता है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की राह पे पहुंच के ही उस मंजिल तक पहुंचते हैं, और जितनी भी राहें हैं, चाहे औलिया के जरिए, चाहे असहाब के जरिए, चाहे इतरते पैगंबर के जरिए, जिन भी राहों से हम पहुंचते हैं तो हमारा रास्ता मंजिल उस तक ले जाता है, और वो मंजिल खुदा तक रसाई का जरिया है। वो क्या किसी ने कहा था, हर राह पहुंचती है तेरी चाह के दर पे, हर हर्फ पे तमन्ना तेरे कदमों की सदा है। तो हम जहां भी जाएंगे तो पलट के इस चौखट पे आएंगे, और अगर ये दर नसीब नहीं हुआ तो सारी जिंदगी भटकते रहेंगे, तो खुदा ताला का कुर्ब बंदे को कभी भी नसीब नहीं हो सकता। कोई शख्स मुसलसल मुजाहदात के जरिए जो है वो फनाइयत की मंजिल तो हासिल कर सकता है, ये तो चीज़ काफिर को भी हासिल हो जाती है, वो अपने नफसानी अपनी नफसानी ख्वाहिशात की नफी करके अपनी फनाइयत तक पहुंच जाए, लेकिन बका की मंजिल हुजूर के कदमों तले। अगर किसी ने भी खुदा तक पहुंचना है तो यही रास्ता है। हमें तो मार्फत भी अल्लाह जल्ला शानहू की अगर नसीब हुई है तो वो रास्ता भी हुजूर का है। अगर ये शहादत नहीं होती है, ये गवाही नहीं होती है, हुजूर नहीं बताते हैं, तो खुदा ताला एक ऐसा वजूद है जो अक्लो फहमो खिरत से बड़ा और बाला है। इकबाल ने कहा था खूब गए पै करे महसूस थी इंसान की नजर, बिन देखे खुदा को फिर कोई मानता कहता है। एक ऐसे वजूद को मैं और आप मानते हैं जिसको हमने देखा नहीं, जो अकलो ख्याल की हदूद से बड़ा है, जो फहम में नहीं आ सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। अगर अकल के घोड़े दौड़ाएं तो अकल के घोड़े थक के गिर जाएं, और फहम अकल से बड़ा है उसका मकाम, लेकिन उसको देखा भी नहीं, लेकिन उसकी जात पे यकीन इतना है कि कड़कती दोपहर बरसती गर्मी और सख्त मौसम कठिन और दरवाजा मुकफल, ठंडा पानी दस्तयाब, लेकिन हम एक घूंट भी हलक से नीचे नहीं उतारते कि हम रोजे से हमारा अल्लाह हमें देख रहा है। ये उस साथ पे हमारा यकीन जिसको हमने देखा भी नहीं है, जिससे कभी हम कलाम भी नहीं हुए, जिससे कभी बात भी नहीं हुई, सोचने बैठ रहे हैं तो मुर्गे अकल थक के गिर जाए, तो फिर इतना तयक्कुन, इतना यकीन पैदा कहाँ से हुआ यार? ये यकीन मुस्तफ़ा की चौखट से नहीं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से घोड़े का सौदा किया,
तो फरमाया कि मैं अचानक गुजरते हुए तेरे घोड़े को देखा और पसंद आ गया, क्या सौदा हो गया, अब अपने घर जाके मैं तुम्हें इसकी कीमत ला के दे देता हूँ। उसने कहा मुझे मंजूर है, माकूल कीमत थी जिस पे सौदा होगा। हुजूर कीमत लेने गए तो वापस किसी ने कहा, उस शख्स का नाम सवा था, उसको कहा कि यहाँ खड़े हो, कहा कि मुसलमानों के नबी से मेरा सौदा हुआ है जो है वो इस घोड़े के हवाले, तो वो कीमत लेने गए। तो उसने कहा मुझसे ज़्यादा पैसे ले लो। उसने कहा मैं तो सौदा कर चुका हूँ। कहा कि कोई गवाह मौजूद था? कहा नहीं। तो कहा तुम मुकर जाना। ज़्यादा पैसों के लालच में आया, इतने में हुजूर की तशरीफ ले आए, उसे कीमत देना चाहिए तो उसने इनकार कर दिया, मेरा तो आपसे सौदा ही नहीं हुआ। हुजूर फरमाया अभी तो अभी बात नहीं। उसने कहा कि नहीं जनाब, मेरा आपसे कोई सौदा नहीं हुआ। लोग जमा हो गए, हुजूम इकट्ठा हो गया। जब लोगों का हुजूम बन गया तो उसने सोचा कि लोगों पर बात आ गई तो सादिक भी ये हैं, अमीन भी यही है, तो मैं तो झूठा भरी मजलिस में हो जाऊँगा। तो उसने कहा हजरत आप ही बताइए, जब दो अशख़ास के माबैन में तनाव बन जाए तो आपकी शरीयत में तस्वीर की सूरत क्या है? तो फरमाया कि मेरी शरीयत तो कहती है कि जो मुद्दई है वो गवाह लाए, वल यमीन वाला मन अनकर, जो इनकार करता है वो कसम दे। उसने कहा तय हो गया, अगर आपने घोड़ा खरीदा, ये दावा आपका है, तो आप कोई गवाह ले आए, और अगर आपके पास गवाह नहीं है तो मैं कसम देने के लिए तैयार हूँ, आपकी शरीयत के मुताबिक ही फैसला कर लेते हैं। अब जब घोड़े का सौदा हुआ तो उसके गवाह था ही कोई नहीं, उनसे भी पता था इस बात का। उसने कहा या तो आप गवाह ले आए, नहीं गवाह लाते तो मैं कसम देता हूँ, मुकर तो गया था, और झूठी कसम देने के देना है उसके लिए क्या मुश्किल था। भरी बज़्म है, लोगों का हुजूम है, गवाह कोई नहीं। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और सवा से मुखातब होकर कहा कि गवाही मांगता है, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह के रसूल ने तुझसे घोड़ा खरीदा था, इतने में सौदा हुआ था, तो उसने मुफ्त तो दिया नहीं था, बस जायद पैसों के लालच में वो मुकर गया था, तो उसको भी रास्ता निकलने का मिला। तो उसने कहा जी ठीक है, मेरा मुतालबा पूरा हो गया, घोड़ा हुजूर के हाथ में लिया, कीमत पकड़ी, लोगों का हुजूम छटने लगा। हुजूर ने हज़रत खुज़ैमा को बुलाया, खुज़ैमा घोड़ा भी मिल गया, बात भी सच्ची है, लेकिन तूने गवाही कैसे दी, तू तो मौके पर मौजूद ही नहीं था। तो हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है, आपके सीने ठंडे हो जाएंगे, आपकी रूह को करार मिल। मैं किताब मुख्तसर करके चला जाऊंगा, आपको शिकायत नहीं रहेगी कि बहुत छोटा किताब था, सिर्फ एक जुमला आपकी रूह में ऐसी तरावट डाल देगा, ऐसी ठंडक पैदा कर देगा और आपके बातों में ऐसा करार रख देगा कि आप देर तक झूमते रहेंगे और अपने ईमान पे, अपने अकीदे पे नाश करते रहेंगे। हजरत खुज़ैमा को हुजूर ने फरमाया तू तो मौके पर था ही नहीं, तो तूने किस तरह गवाही दी? तो सुनो हजरत खुज़ैमा ने जो जवाब दिया, अर्ज गुजार हुए हुजूर घोड़ा क्या है, आपके कहने पे हमने रब की गवाही नहीं दे दी? रब को हमने कब देखा था, जन्नत और दोजख को हमने कब देखा था? आपने कहा तो ऐसे वजूद को मान लिया जो तसव्वुर और ख्याल और फहम में भी नहीं आता था, और आप कह रहे थे कि घोड़ा मैंने आपसे खरीदा, तो ये घोड़ा क्या होता है? तो फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत खुज़ैमा का हाथ पकड़ के फजा में बुलंद किया, जाने वाले रुक जाओ मेरी बात सुन लो। लोग ठहर गए, फरमाया सुनो किसी अदालत कचहरी में गवाह की जरूरत हो तो मेरी शरीयत दो गवाह मांगती है, लेकिन जहां मेरा खुज़ैमा होगा एक ही गवाही दो गवाही। मैं और आप खुदा को मानते हैं, हमने देखा नहीं है, हमने मुलाकात नहीं की है, लेकिन यकीन इतना पुख्ता है, इतना पुख्ता यकीन है कि अपने होने का इतना यकीन नहीं है जितना रब के होने का यकीन है। तो ये तयक्कुन मिला कहां से, ये यकीन आया कहां से? ये यकीन हुजूर की चौकट से आया, और मेरे इमाम बोले फैज पहुंचा ए रिजा अहमद पाक का, फैज पहुंचा ए रिजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है, हमें कैसे पता चलता, ऐसी जात को हम कैसे मानते? पत्थरों को पूजने वाले, मूर्तियों की परस्तश करने वाले, अजरामे फलकिया को माबूद मानने वाले, जड़ी बूटियों को खुदा समझने वाले, एक ऐसे पाकीज़ा वजूद पर यकीन और ऐज़ान रखते हैं कि फिर उस उनके यकीन को चटाने भी नहीं तोड़ सकती, इतना मजबूत यकीन पैदा हुआ। ये तयक्कुन पैदा कहां से हुआ? ये पैदा हुजूर की तहनीक से हुआ, ये हुजूर की चौखट से हुआ। यार जिसने खुदा तक रसाई हमारी की, जिसके दम से हमारे हमें ईमान की बहारें नसीब हुई, तो फिर क्या उसका शुक्रिया अदा न करें?
एक दिन का मीलाद किया, हम तो सारी जिंदगी हुजूर के नाम लगा देते हैं, हम तो जिए हुजूर के लिए, हम तो मरे हुजूर के लिए, हमारी एक एक सांस उनके नाम वक्त हो, एक तू ही होते हैं बेलिया आसा दा सहारा, दस किन्नु करा जे तेनु ना करा यार, तो हमारी एक एक सांस उनके नाम है। सिर्फ एक दिन के महफिल मीलाद पर इक्तफा न करना, अपनी सारी जिंदगी हुजूर के नाम लगा, सिर्फ अपने मकान की छत पे झंडियां लगा के चारण करके ये ना समझना कि हक अदा हो गया, दिल के एक एक पर्व पे नाम में मोहम्मद की झंडी लगाओ और दिल के एक एक सुराख पर हुजूर के नाम का चरारा करो और अपने जाहिर को और अपने बातिन को हुजूर की मोहब्बत के रंग में रंगो। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े जनाब हम मुसलमान होते हैं, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। फरमाया करते थे, साहिब ना किसी को पूछना पड़े ना तुझे बताना पड़े, तेरी वजाकता, तेरा तर्ज जिंदगी, तेरा अंदाज मुआशरा ऐसा खूबसूरत हो, तू दूर से चला आ रहा हो, लोग कहे वो देखो हुजूर का गुलाम आ रहा है, निराले देंगे दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, मैशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। हमारा तर्ज जिंदगी बताए कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारा अंदाज़े हयात बनाए बताए कि हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारी जिंदगी की एक एक सांस इस खूबसूरती के साथ हुजूर की मोहब्बतों के सांचे में ढली हो और हुजूर की सुन्नत और सीरत का यूं हम मुरक्का बन जाएं कि दूर से देखने वाले भी कहें कि ये नौकर हुजूर। मेरे शेख मुहतरम ने क्या कमाल कहा कि यारी ला तू पाक नबी संग ऐ पर पूरी यारी, यारी ला तू पाक नबी संग ऐ पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख न लो एक बारी। तो वो मोहब्बतों का रिश्ता, वो रब, वो ताल्लुक, वो मजबूत रिश्ता हुजूर के साथ कायम कीजिए, महबूब की मोहब्बतों का तकाजा और महबूब के साथ इश्क और महबूब के साथ अकीदत का रंग ये है। हुक्म तो यार बहुत बड़ी बात है, मुहिब तो महबूब की मंशा भी जानता है कि महबूब की मंशा क्या है, महबूब की चाहत क्या है। मदीनतुल नबी की एक गली से हुजूर गुजर रहे हैं तो एक ऐसा मकान बन रहा था जिस तर्ज का तर्ज तामीर हुजूर को पसंद नहीं था, गुजरते हुए रुक के सिर्फ इतना पूछा कि ये किसका मकान है, कहा फला अंसारी का, कुछ नहीं कहा हुजूर गुजर गए। किसी ने उस अंसारी सहाबी को कहा कि हुजूर गुजरे थे, तेरा मकान देखा, चेहरे पे आसारे पसंदीदगी जाहिर नहीं हुए। दो चार दिन के बाद हुजूर का फिर गुजरान हुआ तो मलबे का ढेर पड़ा हुआ था, कहा साहब मकान को बुलाओ, बुलाया गया, कहा मैं गुजरा था तेरा मकान देखा था, ये क्या हुआ। अर्ज की हुजूर मैंने गिरा दिया, फरमाया क्यों, अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं, मैं और आप देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद, अपनी शादी ब्याह से लेकर के अकीके वलीमे तक, अपनी निजी जिंदगी से लेकर उमूर सियासत तक, अपने तर्ज हयात से लेकर अंदाज मुआशर तक, हम देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। आइए मैं और आप अपना एक एक सांस हुजूर के नाम वक्त कर दें, ये हुजूर की मोहब्बतों का तकाजा है और ऐसी महाफिल का तकाजा भी यही है। लंबे सफर काट के आप भी आए, हम भी मुसाफिर तय करके यहाँ आए, आली मर्तबा उलमा मशाइख ये भी लंबी मुसाफतें तय करके, एक एक लम्हा इनका कीमती है, जलवा फरोज हुए, और इसी तरह मुंतजमीन ने जिस तरह आपके लिए तमाम इंतजाम किया, इस सब का तकाजा ये है कि हम यहाँ से जब उठ के जाएं तो हम सोचें कि हम खड़े कहाँ हैं और हमारे आका मौला की मोहब्बत का हमसे तकाजा क्या है, उनके दम से खुदा तक रसाई मिली है, इससे बड़ी और दौलत हमको क्या नसीब होती कि उनकी चौखट तक पहुँच करके खुदा की दहलीज तक पहुँच गए, अब हमारे ऊपर क्या हक बनता है और तकाजा क्या है। आइए मैं और आप अपनी सारी जिंदगी उनके नाम पे लगाएं, इकबाल के सारे कलाम का रस निचोड़ें तो जूस ये निकलता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इकबाल कहते हैं हुजूर से वफा कर लो फिर कलम भी तुम्हें दे देंगे, तख्ती भी तुम्हें दे देंगे, फिर जो लिखना हुआ खुद ही लिख लेना, तुम्हारी तकदीर के फैसले कहीं और नहीं होंगे बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है, लेकिन शर्त यह है कि वफा का रिश्ता हुजूर से मुस्तहकम हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। पीर भाइयों खुदा वास्ते तशरीफ रखो, मैं बनू नज़्म व ज़ब्त खराब ना करो,
नज़्म व ज़ब्त खराब ना करो। पीर भाइयों तमाम अपने मुर्शिदा वास्ते में बह बनो साडे से देखो देख ही देवे ज़ियारत करके देवे इतना काफी है भाई। मेहरबानी फरमाओ मेहमान हैं और तब पता है एक 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 साकिब बेदा पे बिया साकिब आंदा पे एक सितारा बेदा पे बिया सितारा आंदा पे बिया शहनशाह खिताबत आलमी मुबल्लिग खतीबे मिल्लत इस्लामिया इंग्लैंड से आए हुए हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साकिब इकबाल शामी साहब जिनको हम मदीना शरीफ में मिलते थे और मदीना शरीफ में आपकी गुफ्तगू सुनते थे। आज आप देखेंगे आज आप सुनेंगे एक एक लफ्ज बोलते हैं तो इश्क़े रसूल के रस बोलते हैं। इंशाल्लाह सुन सो कलेजा ठंडा हो सी ईमान ताज़ा थी सी बैठे बैठे तो मदीने दी याद आवे से। तमाम हजरात बह वनो तमाम हजरात बह वनो बड़ी मेहरबानी तमाम हजरात बह वनो आलमी मुबल्लिग खतीबे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हुजूर किबला सैयद मोहम्मद साकिब इकबाल शामी साहब आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह कलेजा ठंडा होगा। जिस तरह ये आंखों से आंसू रवा थे इंशाल्लाह इसी तरह रवा होंगे। रोने वाली आंखें मांगो रोना सबका काम नहीं जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोजे मोहब्बत आम नहीं। इधर भी आप देखेंगे पसे पर्दा फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला छपाए दिल के गोशे में ख्याले मुस्तफा निकला। आज किबला शाह जमाली करीम के उर्स पे हम ऐसी ऐसी सूरतें देख रहे हैं जिनको देखने से अल्लाह याद आता है। आप नारा बुलंद करें बिला ताखीर मैं आपका खिताब कराता हूँ। तमाम हजरात ऐसा नारा लगाएं कि सरूर आ जाए बैठे बैठे हमारा हजूर आ जाए। नाराए तकबीर हाथों को बुलंद करके इंग्लैंड से आए हैं खसूसी तौर पे आपको खिताब सुनाने के लिए। या हम मदीने शरीफ देखते थे या आज मुर्शिद के आस्थाने पर देख रहे हैं। नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए खिलाफत नाराए हैदरी ताज तारे खत्म नबूवत हाथों को बुलंद करके ताज तारे खत्म नबूवत आस्ताना आलिया शाह जमालिया शेखुल हदीस हजूर किबला ख्वाजा पीर मोहम्मद अकरम शाह जमाली आप जो है ना आप जो है शेखुल हदीस अल्लामा मंजूर अहमद फैजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और अल्लामा मंजूर अहमद फैजी रहमतुल्लाह अलैह इस दर के मुरीद हैं। आप अपने दादा पीर के आस्थाने पे आए हुए हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल साकिब शामी साहब والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وذكر بأيام الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت انت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه واله وسلم لايك سيد الاحترام علماء الكرام مشايخ الاعظام ارباب علم وبصيره साहिबान अकल दानिश मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अवलन में दिल की अथा गहराइयों से हदीया तहनियत और तशक्कुर पेश करना चाहूँगा। आज इस बज़्म के मुहतमिमीन मेरे दादा मुर्शिद हज़रत शाह जमाल करीम अलैह रहमा के साहिबजादगान की बारगाह में, जिन्होंने आज मुझते दामन इल्म को इस खूबसूरत बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बज़्म उर्से हज़रत शेख अकरम शाह जमाल अलैह रहमा में मदऊ किया, और आज इसकी इस अजीम दावत की बरकत से मुझे आप अहबाब की ज़ियारत की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह जल्ला वाला इस मुख्तसर रफाकत में हमें हक कहने, हक सुनने और हकी को अपना अकीदा बनाने की तौफीक अता फरमाए। मुझे जिस तरह हजरत ने फरमाया कि मुझे आज की इस बज़्म के हवाले से मदीना मुनव्वरा में दावत दी गई थी, और इससे कबल भी हजरत रबते में रहे, तहरीक कमज़ोर हुदा के कारकुनान से रबते में रहे, हजरत सरदारगंज किबला फैज़ मोहम्मद शाह जमाली साहब, कमर शाह जमाली साहब किबला और दीगर बुजुर्ग जो आज की इस बज़्म में मौजूद हैं, कमरुद्दीन शाह जमाली साहब, मदीना मुनव्वरा में ये इरादा हुआ और सरकार की बारगाह में, सरकार के कदमों में, हरचंद के अमेरिका का दौरा था जिस तरह हजरत ने ऐलान किया, प्रोग्राम थोड़ा इंतहा मुश्किल था कैंसिल करना, लेकिन सरकार की बारगाह में हजरत ने हुक्म फरमाया कि आपके मुर्शिद घराने से दावत मिली है, तो फिर वो कहते हैं ना कि जो आना चाहो हजार रस्ते, न आना चाहो तो उजर ना, जो आना चाहो हजार रस्ते, न आना चाहो तो उजर लाखों, तवील रास्ता खराब मौसम बरसती बारिश मिजाज पर हम। क्योंकि इस बारगाह से एक निस्बत है, इन्हीं का तो फैज है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ला वाला इन्हें सलामत रखे, और आज पूरे आलम में हज़रत किबला पीर अकरम शाह जमाली अलैह रहमा, जिन्होंने इलाए करीमतुल हक और रुश्द हिदायत के आलमगीर चश्मे जारी किए, और आज पूरी दुनिया में उनके दलामेज़ा, उनके स्टूडेंट्स अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में दीन इस्लाम की तालीमात का प्रचार कर रहे हैं, अल्लाह जल्ला वाला उनकी इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की इस आया मुबारक को सरनामा सुखन की हैसियत से तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। इस आया मुबारक की रोशनी में उलमाए किराम ने कुरान करीम को 5 मजामीन में तकसीम किया है, यानी कानून के वजह करने के एतबार से कुरान करीम में जब भी कोई इस्लाम में कानून बनेगा, कानूनी एतबार से हर हुक्म इन 5 अनावीन में से एक उनवान के तहत आएगा। मुफस्सिरीन ने मुज़क्किर हुम बिअय्यामिल्लाह के हवाले से बहुत तफसील से कलाम किया, और तफसील कुरान का मुताला भी हमें करना चाहिए, ये भी हम हमारे लिए ज़रूरी है, यही तो इस आस्थाने का पैगाम है। हम आज अल्लाह के कलाम को वक्त नहीं दे पाते। वो एक शायर ने कहा था कि कभी देखते थे जो तफसील कुरान, कभी देखते थे जो तफसीर कुरान, वो अब दौर नौ की फबन देखते हैं। कभी देखते थे जो तफसीर कुरान, वो अब दौर नौ की फबन देखते हैं, लगाई है लो जब से अमरीकी यूं से, सुनन की जगह CNN देखते हैं, सुनन की जगह CNN देखते हैं। वो कौम कभी जो खेलती थी शमशीरों के साथ, आज फिल्में देखती है हमशीरों के साथ, जो अपनी बहनों और माओं के साथ बैठ के फिल्में देखें। और अकबर अलाबादी ने उस दौर में कहा कि शमशीर और जंग को अब नए सांचे में ढाली, शमशीर और जंग को अब नए सांचे में ढाली, शमशीर और जंग को अब नए सांचे में ढालिए, शमशीर को छुपाइए जन को निकालिए। एक वक्त था जब मिल्लत इस्लामिया अपनी औरतों को पर्दे के अहकाम से करती थी, जब जन कमरे में बंद थी तो शमशीरें बाहर थी। मुसलमानों की खुददारी, मुसलमानों का वकार, मुसलमानों की हिम्मत, मुसलमानों की कुव्वत, अगर कोई मुसलमान पर हमला करता, कोई औरत आवाज़ बुलंद करती, तो मुसलमानों की शमशीरें बाहर निकला करती,
क्यों निकलती, क्योंकि औरतें चादर और चारदीवारी की पाबंदी करती थी, दीन इस्लाम के अहकाम पर पाबंद। लेकिन जब औरतें बाजारों में नजर आ रही हैं और मुसलमान बदनिगाही का इर्तिकाब कर रहे हैं तो मुसलमानों की जुर्रत गैरत खत्म हो गई। अकबर अलाउद्दीन उस वक्त कहा था, कहा शमशीर और जन को अब नए सांचे में ढालिए, शमशीर को छुपाइए, जन को निकालिए। यानी अगर जन, अगर औरत घर में पाबंद रही, शरीयत के अहकाम पर अमल करती रही, फिर तलवारें बाहर निकलती रही, लेकिन अगर औरत बाजार में आ गई तो फिर तलवारें छुपानी पड़ी। यही हमारी हालत है, हम कुरान करीम की तफसीर से दूर हैं, कुरान फहमी से दूर हैं। अल्लाह जल्ल व आला इस हुक्म की रोशनी में मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हजरत उबै बिन काब, इमाम मुजाहिद और दीगर मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि इस आयत में जब अल्लाह जल्ल व आला इरशाद फरमा रहा है कि अय्यामुल्लाह की याद दिलाई जाए, अय्यामुल्लाह क्या है, तज़किरे अय्यामुल्लाह के हवाले से, क्योंकि ये बज़्म मिलाद शरीफ की भी बज़्म है और उर्स की भी महफिल है, उर्स की भी महफिल है और मिलाद शरीफ की भी महफिल है। और हज़रत शेख अकरम शाह जमाली अलैहि रहमतुल्लाह, क्योंकि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस मुनक़द किया गया और आज उनका उर्स भी मनाया जा रहा है, तो इस मिलाद और उर्स के हसीन इम्तिज़ाज को मद्देनजर रखते हुए चंद इल्मी निकात आपकी बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा, जिसकी बरकत से मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपको अपने मुर्शिद की याद आ जाए। अपने मुर्शिद का प्यार, अपने मुर्शिद की मोहब्बत, वो वक्त, वो लम्हात जो आपने अपने मुर्शिद के कदमों में गुजारे थे। और पंजाबी तो मेरी पहली जुबान नहीं है, बरतानिया से आने वाला मैं कहा करता हूँ, उर्दू भी ठीक से बोल ले तो गनीमत है, फिर पंजाबी, फिर उसके बाद सराइकी। तो आप तखयल बांधें अपने मुर्शिद की बारगाह का, वो अजीम बारगाह जिनके कदमों में आपने वक्त गुजारा, आज ज़ाहरी तौर पर तो आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कुरान करीम की इन आयात की तफसीर की रोशनी में जब आप चेहरे मुर्शिद को याद करेंगे तो फिर दिल से ये आवाज़ निकलेगी कि हार थीवा तेने गल दबे माही, निमे असलू दूर न थीवा, या तेंडे पैरों दी थीवा जुत्ती, नित कदमा हेठ मथीवा, इज्जत नियाज ए मुट्टी साटी, नित बांदी यार सभीवा, यार फरीदा मुकते दिल बरदा, में वेख वेख के जीवा। अल्लाह हाल ये है कि चूंकि हम जब कुरान करीम की आयात की रोशनी में कलाम करते हैं तो एक वक्त आता है इंशाल्लाह रिपीट करते चले जाएंगे, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कुरान करीम की तालीमात की रोशनी में चंद उसूल ज़वाबित दीन इस्लाम की आपकी बारगाह में पेश करें, ताकि वो नाकिदीन जो दीन इस्लाम की तालीमात पर तनकीद करते हैं उनका जवाब भी हमें मिले कि अय्यामुल्लाह की याद दिलाने की अहमियत क्या है। इस हवाले से मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुरान करीम के पाँच मारूफ मजामीन इस ज़िमन में, इस एतबार से मुफस्सिरीन ने तकसीम किया है और कहा है कि पहला मज़मून इल्मुल अहकाम का, इल्मुल अहकाम मिन अल वाजिब वल मुबाह वल हराम वल मुस्तहब वल मंदूब, ये पहली तकसीम है। दूसरी तकसीम इल्मुल मुखासमत वर रद्द अला फिरक अल दालत मिन अल मुशरिकीन वल यहूद वल नसार वल मुनाफिकीन, तीसरा इल्मुत तज़कीर बि अय्यामिल्लाह, चौथा इल्मुत तज़कीर बि अदाइल्लाह, और पाँचवा इल्मुत तज़कीर बिल मौत। कुरान करीम की ये पांच मजामीन हैं जो कुरान करीम की इस आयत के तहत उलमाए किराम ने बयान किए। इन पांचों मजामीन का बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है और बज़्म उर्स से भी बड़ा गहरा। पहला मज़मून इल्मुल अहकाम, यानी अल्लाह जल्ल व आला ने जितने भी अहकाम हर मुकल्लफ के लिए वाजिब हैं, फ़राइज़ हैं, सुनन हैं, मुस्तहबात हैं, इन तमाम में सबसे अहम हुक्म मकासिद शरिया में, जिसे आज अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, लाइफ लिबर्टी और परसूट ऑफ हैप्पीनेस जिसे कहा जाता है, जो हम कहते हैं कि अमेरिकियों ने मुसलमानों के मकासिद शरिया से इसको अखज़ किया है। मकासिद शरिया पाँच हैं और उन पाँच मकासिद शरिया में जो सबसे पहला शरिया के मुताला का मकसद है वो हिफ्ज़ दीन, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, हिफ्ज़ दीन, दीन का तहफ्फुज़, दीन को बचाना। और दीन के बचाने के हवाले से जो फ़र्ज़ हम पर आयद होता है कुरान करीम की इन पांच मजामीन की तकसीम को मद्देनजर रखते हुए, जो पहला मजमून में पेश कर रहा हूँ इल्मुल अहकाम के हवाले से, उस पर अगर हम गौर करें कि सबसे पहली जिम्मेदारी आज मुसलमानों की क्या है और इस खानकाही निज़ाम की क्या है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नया नबी तो नहीं आएगा, अब ये जिम्मेदारी मुजद्दीदीन की है, मुजतहिदीन की है और औलियाए कामिलीन की है।
इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने प्यारी बात की कहा माजी में 73 फिरके नहीं थे 72 इस उम्मत में 73 क्यों कहा इस उम्मत में 73 फिरके की वजह इसलिए यह है कि माजी में जब एक नबी जाता तो दूसरा नबी आ जाता इस उम्मत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आया यानी माजी में अगर एक नबी जाता और कुछ लोग दीन इस्लाम की तालीमात को मसख करते इस्लाम की बुनियादी उसूलों को तब्दील करने की कोशिश करते तो एक नया नबी आ जाता अब कोई नया नबी नहीं आया माजी में चूंकि नया नबी आ जाता लिहाजा मुज्तहिदीन की जरूरत नहीं थी मुज्तहिदीन की जरूरत नहीं थी मुजद्दीदीन की जरूरत नहीं थी और ना ही इजमा का कोई तसव्वुर अब इस उम्मत में चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो कौन आएगा मुज्तहिदीन आएंगे मुज्तहिदीन आएंगे और औलिया कसरत से तो कहा माजी में चूंकि मुज्तहिदीन नहीं थे नबी थे नबी आते थे तो मुज्तहिदीन नहीं थे तो मुज्तहिदीन के मुनकरीन भी नहीं थे इस उम्मत में चूंकि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो कौन आएगा मुज्तहिदीन आएंगे मुज्तहिदीन आएंगे तो जब मुज्तहिदीन होंगे मुज्तहिदीन होंगे तो उनके मुनकरीन भी होंगे और ये मुनकरीन का जो तबका है ये 73वां फिरका ये ज़ायद फिरका इस उम्मत में क्यों है क्योंकि मुज्तहिदीन है तो मुज्तहिदीन और मुज्तहिदीन का वजूद भी इस बात की दलील है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आया इस हवाले से इन आस्थानों की जिम्मेदारी क्या है इस पर अगर हम गौर करें कि आज तमाम आलम इस्लाम पर मिल्लत इस्लामिया को अगर सरसरी निगाह से देखें और ये समझने की कोशिश करें कि आज हमें किस मकाम पर होना चाहिए तो आज हम कहां खड़े हैं इस पर अगर गौर करते हुए हम देखें कि माजी में हमारी जिम्मेदारियां क्या थी और आज हमारी जिम्मेदारियां क्या है माजी में कोई नया नबी तो नहीं आता माजी में अंबिया आते थे अब कोई नया नबी नहीं आएगा अब कौन है औलिया है मुजद्दीन है माजी में अगर कोई दीन के उसूलों को बदलता तो नबी आके लोगों की इस्लाह करता अब नबी नहीं आएगा ये आस्थाने हैं ये खानकाही निज़ाम है इसके जरिए हम क्या मदद हासिल कर सकते हैं और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं तो ये हमारे स्टेज पे अजीम उलमा बुजुर्ग मौजूद हैं इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और इस कुर्स की बज़म का हकीकी मकसद क्या है और माजी में अगर हम अपनी खूबसूरत दिलावेज तारीख का मुताला करें तो हमें महसूस होगा कि मशायख चिश्त अहले बहिश्त ने किस तरह लोगों की तरबियत की मशायख नक्शबंद ने लोगों की किस तरह तरबियत की सुरवर्दी मशायख ने किस तरह तरबियत की दीगर सिलसिला कादिया के बुजुर्गों ने किस तरह तरबियत की और आलम इस्लाम में उस तरबियत के जरिए क्या असर नजर आया और उसके क्या नतायज सामने आए आज अगर हम पूरी दुनिया में मुसलमानों को देखें और पूरी दुनिया के मकासद को देखें 21वीं सदी के आगाज से ही जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले ने अपना अपना एक मकसद अपना एक मंशूर अपना एक मनसूबा वजह किया है अपने अहदाफ को वाजे किया है कि हमने क्या अचीव करना है 21वीं सदी में अगर आप देखें साइंसदानों ने 21वीं सदी के आगाज में ही अपना एक हदफ मुकर्रर किया था अपना एक टारगेट मुकर्रर किया था अपना एक मुंतहा नजर बनाया था कि 21वीं सदी में हमने क्या हासिल करना है साइंसदानों की एक सोच है कि हम खलाओं में इस जमीन से भी बड़ी एक जमीन तलाश करेंगे ऐसी जमीन जिस पर इंसानों का जिंदा रहना इंसानों का जिंदगी बसर करना मुमकिन होगा यह साइंसदानों की सोच है यह उनकी फिक्र है कि 21वीं सदी के आखिर तक हम इस जमीन से भी बड़ी जमीन खला में तलाश कर लेंगे इसी तरह इल्म से ताल्लुक रखने वालों का 21वीं सदी के हवाले से ये मुंतहा नजर है ये हदफ है ये टारगेट है ये गोल है ये मंशूर मंसूबा है कि हमने 21वीं सदी में ऐसी तहकीक करनी है और ऐसी इल्मी इर्तिका हासिल करनी है कि इल्म का कोई शोबा किसी से मख्फी ना रहे इसी तरह इल्म तिब के माहिरीन 21वीं सदी के हवाले से ये मंशूर बनाया ये कायदा ये उसूल ये जाब्ता बनाया कि 21वीं सदी के आखिर तक हम हर ला इलाज मर्ज की का इलाज तलाश कर लें ये इल्म तिब मेडिसिन के माहिरीन का इस सदी के हवाले से मंशूर है इसी तरह काश्तकारी के माहिरीन जो उनकी भी एक सोच है कि हमने काश्तकारी के माहिरीन कहते हैं कि हमने इस सदी के आखिर तक खला में काश्तकारी को मुमकिन बनाना खला में काश्तकारी को मुमकिन बनाना इसी तरह इल्म सियासियात के माहिरीन का ये मुंतहा नजर है ये गोल है उनका ये टारगेट है कि इस सदी के आखिर तक हमने पूरी दुनिया को एक सियासी निज़ाम देना है एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिव कंक्लूसिव जामे और माने निज़ाम देना है कि जो पूरी दुनिया पर नाफिज और अमल हो और दुनिया उसे कबूल करे इसके अलावा ताजिरों ने अपना एक मकसद बनाया है
पूरी दुनिया में इस वक्त जो ताजर हैं उनका एक मकसद है, इस सदी के 21वीं सदी के आखिर तक हम तिजारत का एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम देंगे कि पूरी दुनिया में एक निज़ाम के तहत तिजारत करना मुमकिन हो जाए। यानी ये ताजरों का एक मकसद है कि पूरी दुनिया में एक निज़ाम के तहत तिजारत मुमकिन हो जाएगी, और तिजारत के एतबार से ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाएगी, ये पूरी दुनिया एक आलमी गांव बन जाएगी। ये ताजरों का मकसद है। इसी तरह मुख्तलिफ अदियान मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वालों ने 21वीं सदी के हवाले से अपने अहदाफ को मुकर्रर किए। उनके मकासद उनके अहदाफ क्या है? ईसाइयों को देखें, उनका हदफ ये है कि ईसाइत को एक बड़े आजम में हमने इस तरह गालिब कर देना है कि 21वीं सदी के आखिर तक उस एक बड़े आजम में एक भी गैर ईसाई नहीं होगा, सारे ईसाई हो जाएंगे। इसके अलावा यहूदियों का अपना मकसद है, यहूदियों का अपना एक टारगेट है, अपना एक गोल है, एक हदफ है। उन्होंने मनसूबा बनाया है कि अजीम तर इसराइल, द ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट, कि हमने अजीम तर इसराइल को यूं कायम करना है कि हमारा बच्चा बच्चा अजीम तर इसराइल के क़याम के लिए, और दज्जाल की सल्तनत एंटी क्राइस्ट की सल्तनत अजीम तर इसराइल जो इस्लाम की दुश्मन सल्तनत है जिसका उन्होंने तसव्वुर पेश किया, उसे अपने हर हर बच्चे के जहन में डालना है, दाखिल करना है, और हर बच्चे को उस मकसद के हुसूल के लिए एक मुजाहिद और सिपाही बनाना है। ये उनका मकसद, इस खतरनाक मकसद के हुसूल के लिए आज इसराइल में मेहनत की जा रही है, बच्चों की तरबियत की जा रही है, और ऐसी ऐसी तरबियत, ऐसी खतरनाक तरबियत वो कर रहे हैं, हमें उसका तसव्वुर ही नहीं है। वो चाहते हैं कि इस्लाम को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाए और एंटी क्राइस्ट की सल्तनत अजीम तर इसराइल के वजूद के लिए, उसको बनाने के लिए हमने पूरी दुनिया की इकॉनमी पर इस तरह हुकूमत करनी है कि अजीम तर इसराइल के क़याम के लिए हमें कोई कुर्बानी न देनी पड़े, पूरी दुनिया हमारी हर बात को तस्लीम करे, क्योंकि मईशत पर हमारा इस कदर तहक्कुम होगा, इस कदर कंट्रोल होगा कि कोई हमारे रास्ते की रुकावट न बने। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये तसव्वुर किसका है? गैर मुस्लिमों का है। जिंदगी के हर शोबे से तलक रखने वाले ने अपना अपना एक मकसद बनाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, आपका मंशूर क्या है? 21वीं सदी के आखिर तक आपने क्या अचीव करना है? तमाम हजरात तशरीफ रखो सुकून के नाल, जमात एहतमाम है पिया, नमाज टाइम है पिया, इतने वैसे नमाज टाइम किताब को सुकून न छोड़ो, और वजू का टाइम भी तरह तमाम हजरात सुकून और तशरीफ रखो।
मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त मुसलमानों का बड़ा मकसद क्या है, तो इस दौरान हजरत ने इशारा किया, इन्होंने बताया कि गुफ्तगू इल्मी भी है और साथ साथ कुछ शरीयत का रंग भी नजर आए, तो इंशाल्लाह उस पर तो कलाम करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया शाह जमालिया। सैदा हुक्म में कोई पीर भाई ना उठे, आलमी मुबल्लिग दा खिताब जारी है, कलेजा ठंडा हो सी इंशाल्लाह। मैं तो चाहता हूँ कि कलेजा इल्मी बातों से ठंडा हो, और ये तो वैसे ही यहाँ शाह जमालियों के मिजाज के हवाले से मुझे हजरत बता रहे थे, यहाँ सर्द मिजाज, ठंडा मिजाज हजरत के हवाले से। तो वो एक शेर है कि इस कदर सर्द रवैये हैं यहाँ, यहाँ गर्मी बड़ी होती है, गर्मी बहुत होती है इन इलाकों में। तो किसी ने कहा इस कदर सर्द रवैये हैं यहाँ कि सर्दियाँ आने से कतराती हैं, सर्दियाँ भी आने से कतराती हैं, इसीलिए गर्मी है, रवैये सर्द हैं। लेकिन क्योंकि इल्मी बातें हैं और ये इल्मी बातें इंतहा कहाँ, ये तकाजा है, वाकयात आप सुनते ही रहते हैं, हम सुनाते ही रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन ये जो बातें रिकॉर्ड हो रही हैं ना, ये पूरी दुनिया में नशर हो जाता है हमारा ये पैगाम, पूरी दुनिया में इसमें गैर मुस्लिम भी सुनते हैं, और फिर इन बातों से बहुत कुछ बहुत पैगाम पहुँचाए जाते हैं, क्योंकि शाह जमालिया सिलसिले के हवाले से पूरी दुनिया में एक मंशूर एक मिशन लेकर जा रहे हैं, और गैर मुस्लिम हैं जो बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल कर चुके हैं, उन्हें भी पता चले कि जो यहाँ से पैगाम दिया जा रहा है, क्योंकि हम तो तारुफ कराते हैं ना कि दुनिया इल्म व फन के माहिरीन यहाँ बैठे हैं, लेकिन वहाँ के अंग्रेज़ नहीं समझ पाते। अगर आपके कहने पर मैं सिर्फ वाकयात ही बयान करता रहूँ तो आपके चंद बंदे तो खुश होंगे, वो जो आलमी लेवल का पैगाम है उस पैगाम पर फिर असर पड़ेगा, लेकिन आपकी तबीयत की ज़ियाफ़त के लिए मैं इसको बताता हूँ कि इन सूफिया का ताल्लुक क्या है। सिर्फ इतना बताऊँ कि ये जो आलमी लेवल के हवाले से मैं कलाम कर रहा था कुरान करीम की आयात की तकसीम के हवाले से, मजामीन की तकसीम के हवाले से, कि हमारे इन तमाम मसाइल का हल सूफिया के आस्ताने हैं, ये मैं आपको तफसील से बताता कि कैसे हैं, इस पर मगरबी फिक्र के लोगों ने मुफक्किरीन ने क्या कुछ कहा, लेकिन चूंकि सारे मानने वाले बैठे हैं तो आपको बताऊं कि माजी में हुक्काम और बड़े बड़े सुल्तान और बड़े बड़े सलातीन ज़माना इन औलिया कामिलीन से किस तरह मदद तलब करते थे, और मनसूबा चूंकि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इस सदी के हवाले से आपका क्या मनसूबा है, बहसीयत मुसलमान अगर आप अपना हाथ बुलंद करके आप मुझे बताएं कि आपका क्या मनसूबा है, आप आलम इस्लाम को इस सदी के आखिर तक कहाँ देखते हैं, क्या आप तक कोई मंसूबा पहुँचाया गया, क्या आपके जहन में कोई फिक्र है, आलम इस्लाम के हवाले से नहीं तो कम अज़ कम अपनी ज़ात के हवाले से बताएं, क्या आपका कोई मंसूबा है कि आप अपने आप को आइंदा 5 सालों में कहाँ देखते हैं, किसका मंसूबा है, कारोबारी मंसूबा हो, दुनिया के एतबार से हो, दीन के एतबार से, कोई हाथ उठा के बता सकता है कि नेक्स्ट 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। देखिए इतना बड़ा मजमा है, इस कदर इतना बड़ा मजमा है, अब देखें कैसे देंगे, अब ये मसला है कि दीन इस्लाम को हम फरोग देंगे लेकिन उसका तरीका क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, हम किस तरह सूफिया की बरकत से मदद तलब करते हुए। अब देखिए एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे मजमे में, जिन्होंने बहुत वसूख और बड़े यकीन से कहा, और एक और साहिब भी खड़े हुए। इस हवाले से मेरे दोस्तों याद रखते हमें अपने वक्त की कदर करनी है और अपने मकासिद कि हमने आइंदा 5 सालों में अपनी इंफरादी ज़िंदगी के हवाले से, इज्तिमाई ज़िंदगी के हवाले से, अपनी माशी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी आयली ज़िंदगी के हवाले से हमने क्या टारगेट अचीव करना है, और ये कहाँ से मिलेगा सबक, यही रास्तानों से मिलेगा। माजी में जितने भी बड़े बड़े वो काम होते थे वो इन रास्तानों से रबते में रहते थे, लेकिन अफसोस आज हमारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। अगर आप सिलसिला कादरिया के बुजुर्गों को देखें तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रह रहा होगा जैसा मुजाहिद, इसने कहाँ से फैसला किया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिस्सलाम को दुनिया अय्यूबी कहते हैं, लेकिन जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में बयान करता हूँ तो मैं कहता हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अल कादरी, क्योंकि ये गौसे आज़म का मुरीद है, इनके वालिद ने गौसे आज़म की बारगाह में बचपन में पेश किया था, गौसे आज़म ने इनके सर पर हाथ रखा और इनको दुआ दी थी कि जा तेरा बेटा दीन का अजीम सिपाही और अजीम मुजाहिद बनेगा। तो जब भी कोई बड़ा शख्स जिसने भी माजी में इस्लाम की तारीख का मुताला करे कोई कामयाबी हासिल की तो या किसी कादरी बारगाह से फैजियाब है, या चिश्ती बारगाह से फैजियाब है, या नक्शबंदी या सरवर्दी बारगाह से फैजियाब है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिस्सलाम के हवाले से एक रिवायत में आता है कि आप जब आप बहुत बीमार थे, बहुत अलीग थे,
और नजर की सख्ती में मुबतला थी। आखिरी लम्हात के हवाले से एक रिवायत में आता है तो किसी ने कहा कि आपके दिल में ये ख्वाहिश ये तमन्ना थी कि मैं भी शहीद हो जाऊँ, मुझे भी शहादत का मर्तबा मिले, लेकिन अफसोस आपको शहादत का मकाम नहीं मिला। तो उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा ने यह जुमला कहा था, कहा शहादत का मर्तबा तो उस वक्त मिलता अगर किसी तलवार का वार मेरी गर्दन पर कामयाब हो जाता। कहा जिस गर्दन पर अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ हो, कोई तलवार उस वार के साथ उस गर्दन को कैसे काट सकती है। यह अय्यूबी की फिक्र सुल्तानी तो ये बड़े हुकाम अगर आज सुल्तान अगर कोई सियासत में आगे आ रहा है तो उनका ताल्लुक उनका राबता इन बुजुर्गों से होना इंतहाई जरूरी है। माजी में यही रहा। अब देखिए महमूद सुल्तान गजनवी, महमूद गजनवी को देखो, कितनी मरतबा सोमनाथ को तोड़ने के लिए कितने हमले किए, 17 मरतबा हमला किया लेकिन नाकाम हो गया। फिर कहाँ गया? फिर उसी के पास गया जो उर्स की मेहबले से जाता था, अबुल हसन खिरकानी अलैहिर्रहमा की बारगाह में, अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होते। आज लोगों को तकलीफ होती है, साल के बाद हम उर्स की महफिल में आते हैं और लोग अंगुश्ते तनकीद उठाते हुए जुबानें तान दराज करते हुए कहते हैं तुम शिर्क कर रहे हो, बिदत कर रहे हो, गुमराह हो रहे हो। मैं कहता हूँ जरा अपने बाबू से सबक हासिल करो, जिनकी बरकत से हमें नेमत इस्लाम मिली, जिनकी वजह से हमें इस्लाम की दौलत मिली, वो क्या करते थे। आज तुम अगर कलिमा पढ़ते हो मुसलमान हो तो किसकी वजह से मुसलमान हो। महमूद गजनवी ने उस वक्त किस दरवाजे पर दस्तक दी जब देखा कि 17 मरतबा हमला कर चुका हूं, कोई कामयाबी नहीं मिलती, अफवाज लश्कर आलाते हर्ब सब नाकाम हो गए, कोई कामयाबी नहीं मिली। उस वक्त किसकी बारगाह में गए? उस अबुल हसन खरकानी की बारगाह में गए जो 12 साल तक मुसलसल बितवातुर अपने शेख बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते। मुसलसल 12 साल ईशा के बाद अपने घर से सरकान से निकलते और फिर बुस्तान पहुंचते और 12 साल अपने शेख की बारगाह में उनकी खानकाह में सलाम अर्ज करके वापस आ जाते और फिर इसकी बरकत से उन्हें कुव्वत क्या मिली, उन्हें ताकत क्या मिली। जब महमूद गजनवी अपने मुर्शिद अबुल हसन खरकानी की बारगाह में हाजिर होता है कि अब मैं नाकाम हो चुका हूँ, आलात हर्ब की वजह से मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली, मेरे फौजी हिम्मत हार चुके हैं, है मुर्शिद आप मदद कीजिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कोई मदद नाजिल हो। उस वक्त अबुल हसन खरकानी ने क्या दिया? अपना फिरका, अपना जुब्बा दे दिया, अपना जुब्बा दिया और कहा जब दुश्मन गालिब आ जाए और तुम महसूस करो कि तुम मग़लूब हो चुके हो तो मेरे इस कुर्ते को, मेरी इस कमीज को अपने सामने रख लेना। पूछना चाहता हूं ये कुर्ता क्या था? ये एटमी ताकत थी, ये एटमी एनर्जी थी, ये कोई मिसाइल था, ये कोई बम था, ये कोई धमाका था, ये असरहा था, ये कुर्ता था। कहा जब समझो कि दुश्मन के नरगे में आ गए हो, दुश्मन अगर हमले में कामयाब हो रहा है तो मेरे इस कुर्ते को अपने सामने रख लेना, इस खिलके को अपने सामने रख लेना, इस जुब्बे को अपने सामने रख लेना और अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, अल्लाह तुम्हें कामयाबी से इंतजार फरमाएगा। और फिर यही हुआ कि उस वक्त महमूद गजनवी जब मैदान जंग में है और दुश्मन गालिब आ गया है तो महमूद गजनवी ने अपने शेख अबुल हसन खरकानी का कुर्ता अपने सामने रखा, वो जुब्बा अपने सामने रखा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की। मैं कहता हूँ जब सारा लश्कर नाकाम हो जाए, जब असलहा नाकाम हो जाए, जब एमिनिशन नाकाम हो जाए, जब फौजी नाकाम हो जाए, जब आलाते हर्ब नाकारा हो जाए, उस वक्त कौन सी चीज काम करती है? उस वक्त एक मर्द कलंदर का कुर्ता हरकत में आ जाता है। लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, मैंने कहा आज देखो फिर उस वक्त क्या हुआ कि पूरी फौज को उस वक्त फतह मिली, महमूद गजनवी को फतह मिली। मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है, हे मेरे मुर्शिद आपका शुक्रिया। मुर्शिद ने कहा तूने इंसाफ नहीं किया मेरे जुब्बे से, तूने मेरे कुर्ते से इंसाफ नहीं किया। कहा क्यों है मुर्शिद? कहा उस वक्त जब तूने मेरा वो जुब्बा अपने सामने रखा और अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद किए, मेरे इस जुब्बे की बरकत से अल्लाह की रहमत जोश में आई, उस वक्त अगर तू ये दुआ करता या अल्लाह हर हिंदुस्तानी को मुसलमान कर दे तो अल्लाह उसी वक्त हर हिंदुस्तानी को मुसलमान कर दे। जिसकी वजह से इंकलाब आ गया, हिंदुस्तान फतह हो गया, लोग बाहर जाहिर को देखते हैं, जाहिरी तौर पर ये क्या है? मैं कहता हूँ जाहिर को ना देखो, जाहिरी तौर पर तो तुम्हें ये आम इंसान नजर आते हैं लेकिन अपनी तारीख का मुताला करो। इस्लाम को जब भी कामयाबी मिली, इस्लाम को जब भी फतह मिली, इन्हीं आस्थानों की बरकत से मिली। तुम इनको सही तौर पर देखते हो, तुम इनकी तनकीद करते हो, उन्हें कब्र में मदफून मुर्दा कहते हो, तुम इन्हें बोरिया नशीद कहते हो, तुम इन्हें अशरता हाल कहते हो, तुम इन्हें गली का फकीर कहते हो।
मौलाना आलिया शाह जमालिया अल्लामा साकिब शामी साहब, इनकी ताकत है। आप देखें ख्वाजा शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी अलैहि रहमा, जब अमीरुल मुस्लिमीन नासिरुद्दीन ने कहा था कि ख्वाज़म शाह सुल्तान ख्वाज़म शाह बगदाद पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो मदद के लिए किसको पुकारा, किसको पुकारा? शेख शुयूख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी रहमहुल्लाह को पुकारा। आप फौरन उसके पास चले गए, आपने उसको मना किया, उसको वार्निंग दी कि रुक जा, बहुत बड़ा लश्कर लेके आया था बगदाद पर हमला करने के लिए, आपने रोका न रुका। फिर वली जलाल में आ गया, वली जलाल में आ गया, उसने देखा, उसने कहा ये क्या करेगा, एक बंदा है ये क्या करेगा, इसकी क्या औकात है। लेकिन फिर वली के जुबान से जो जुमले निकले वो जुमले ऐसे थे कि फिर 20 दिनों तक आसमान से ओले बरसते रहे और नाकाम लौटा। हैरान थे ये कैसे हुआ, ये अजाब कहाँ से आया? तेरी दुआ नासर से कभी मलूल हुई, ये वली की दुआ का असर है, तेरी दुआ नासर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। फिर देखिए इसी तरह मशाइख नक्शबंद को देखिए, मशाइख कादरिया को देखिए, मशाइख चिश्तिया को देखिए, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, अताउर रसूल शिहाबुद्दीन गोरी को कौन नहीं जानता, शिहाबुद्दीन गोरी, क्या वाकया था शिहाबुद्दीन गोरी का, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा बार बार शिहाबुद्दीन गोरी को कहते, जा मैंने तुझे हिंदुस्तान दे दिया है, हिंदुस्तान तुझे दे दिया है, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज को हुक्म देते फरमाते मैंने तुझे मुसलमानों के किस बादशाह के हवाले कर दिया है, मैं देख रहा हूँ तू गिरफ्तार हो, तुझे उनके हवाले कर दिया। और फिर जब शिहाबुद्दीन गोरी को हुक्म दिया, जब गोरी ने हमला किया और फिर पृथ्वीराज को जब गिरफ्तार किया गया, तो उस वक्त शिहाबुद्दीन गोरी ने कहा एक बुजुर्ग है उसकी जियारत कर लो, जब देखा ख्वाजा खाजगान बैठे, कहा यही तो वो बाबा है जो कहता है कि मैंने तुझे गिरफ्तार करके मुसलमानों के हवाले कर दिया है। ये वो रूहानी फोर्सेज है, ये रूहानी स्पिरिचुअल फोर्सेज है जो आज भी मौजूद है इस खानकाही निज़ाम में, ये आज भी मौजूद है, ये सिलसिला आज भी मौजूद है। लेकिन क्या हमारा इनसे ताल्लुक है, क्या हम इनसे मदद तलब कर रहे हैं, ये हमने अपने आप से पूछना है। हमें तो अभी अपने मकासिद का इल्म नहीं, हमें तो ये पता नहीं कि 20वीं सदी के आखिर तक हमने क्या अचीव करना है, मुस्लिम दुनिया का ये पैगाम पूरे आलम में कैसे फैलाना है। हम तो आज इसी झगड़े में पड़े हुए हैं कि पता नहीं उर्स में जाना भी जायज़ है या नहीं जाना जायज़, अरे जायज़ होना जायज़ की बहस है, आपको क्या पता ये पूरी दुनिया का निज़ाम इन्हीं औलिया के फ्यूज़ और बरकात।